हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी पावर की, और इसके अंदर जो है एक ब्रेकआउट सा आ सकता है, और पिछली बार भी हमने इसके ऊपर जो है बात की थी। अभी इसका प्राइस 278 रुपये है। शुक्रवार को ही अभी देखें तो इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर ये सफल नहीं रहा। लेकिन इसी लेवल के आसपास अगर आप देखें तो इसके अंदर और आने वाले हफ्ते के अंदर जो है अभी भी एक चांसेस है ब्रेकआउट आने के, और इसका रिजल्ट भी आएगा। फिर रिजल्ट भी आया था, लेकिन इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ टेक्निकल चार्ट के ऊपर इसके बार हम बात करेंगे। यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा वॉल्यूम है, आप देख सकते हैं पिछले हफ्ते जो रहा, और एक अच्छी खासी तेज़ी भी रही। और एक यहाँ पर अभी देखें तो अगर ये डेली चार्ट है तो एक राउंडिंग बॉटम सा भी यहाँ पर जो सिचुएशन बना है, और यहाँ पर जो है ब्रेकआउट दे सकता है, और कहाँ पर जा सकता है वो भी हम देखेंगे। लेकिन अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और एक यहाँ पर देखें तो शेयर भी ज़रूर करें। आगे देखें तो ये 15 मिनट का चार्ट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर एक तो परसों का दिन है, ये कल का दिन, और ये शुक्रवार का दिन, मतलब कि शुक्रवार का दिन है। तो यहाँ पर जैसे कि ये नीचे आया थोड़ा सा, यहाँ पर इसने जो है सपोर्ट लिया तकरीबन 260-265 के आसपास, तो यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट है। और जो लोग इसके अंदर होल्डिंग रखते हैं, ये वीडियो खास करके उनके लिए है। अगर आप नई बाइंग करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ज़रूर करें, और जो ट्रेड है वो अगर आप लेना चाहते हैं तो छोटा ले सकते हैं, बिकॉज की मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। और साथ ही साथ ये कल का दिन मतलब कि गुरुवार का दिन देखें तो इसके अंदर थोड़ा बहुत जो है कंसोलिडेशन रहा। शुक्रवार को थोड़ा सा अप जो है ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर जो है वापस से एक करेक्शन का जो है एक रेजिस्टेंस उसने फेस किया है। तो ये तो रहा 15 मिनट का चार्ट। लेकिन अगर आप इसके अंदर लंबा चार्ट देखें, वीकली चार्ट, तो यहाँ पर जो है एक नीट एंड क्लीन अगर आप देखें तो जैसे कि यहाँ पर इसने एक 400 रुपये के आसपास का हाई बनाया था, वहाँ से एक लोअर लो की सिचुएशन बन रही थी वहाँ पर। यहाँ पर अब आप देखें इस हफ्ते, इस वीक जो है इसने एक ब्रेकआउट सा यहाँ पर देने की कोशिश की है, और जो ये ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है। और साथ ही साथ ये नीचे से अगर आप देखें तो यहाँ पर भी जो है एक तेज़ी का चैनल भी यहाँ पर जो है चल रहा है। जैसे कि ये इस तरीके से अगर आप देखें कि पहले तेज़ी आती है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन, फिर तेज़ी आती है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन, अब वापस से जो है यहाँ पर तेज़ी आने की शुरुआत हुई है। तो ये कहाँ पर जा सकता है वो भी हम देखेंगे। तो और ये इसका डेली चार्ट है, तो आप जो है लेवल जो है उसको नोट कर सकते हैं, और जो तेज़ी का चैनल जो है वो आप ये डेली चार्ट के ऊपर अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि ये तेज़ी आई, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन, फिर तेज़ी, फिर कंसोलिडेशन, फिर तेज़ी, और उसके बाद एक यहाँ पर अभी देखें तो राउंडिंग बॉटम सा यहाँ पर बना है, और वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। तो यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट देता है तकरीबन 280 से 285 के रुपये के ऊपर अगर ये निकलता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इसका प्राइस जैसे कि 280 रुपये है, ये 300 रुपये से लेकर 320 तक जा सकता है। तो इसको जो है आप नोट करके रख सकते हैं। और अगर सपोर्ट की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 265 रुपये के आसपास का, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ कि 265 रुपये जो है ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर आप नई बाइंग करते हैं तो ये इसी के आसपास का जो है स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अगर जो आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो दोनों ही आप देख सकते हैं। ये अभी देखें तो जो छोटा सपोर्ट है जो कि एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है 265 रुपये का लेवल, और बड़े सपोर्ट की अगर बात करें तो वो है 250 रुपये का जोन। और रेजिस्टेंस जो है हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया कि ये 300 रुपये से लेकर आने वाले समय में 320 तक जा सकता है। तो इसके ऊपर जो है अपनी नज़र बना के रखें। अगर आप, फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप ट्रेड लें तो छोटी क्वांटिटी में लें, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतने ही दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर ले। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।